नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। गर्मियों के अंदर आपको अपने बर्ड्स के लिए किस तरह की देखभाल करनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अपने पेट्स जैसे पक्षी, कबूतर या कछुओं के उपचार की वीडियो दवाई के नाम के साथ यदि आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए और चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। देखिए, ये जो टाइम पीरियड अब आप चक्का चल रहा है, ये मान के चलिए ये बीमारियों को फैलाने का सबसे, एक बैक्टीरिया को ग्रो करने का सबसे अच्छा पीरियड है, क्योंकि इसमें क्या है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी इस तरीके से बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरियल और वायरस होते हैं वो इस पीरियड में जब उनको टेम्परेचर ह्यूमिडिटी अच्छे से मिल रहा है तो इस टाइम में सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है। यानी बीमारी जो है सबसे ज़्यादा इस मौसम के अंदर ही फैलेगी और हमें सबसे ज़्यादा केयर करने की भी ज़रूरत इसी मौसम में है, क्योंकि ये जो शुरुआत है, अगर हमारी जरा सी भी लापरवाही होगी तो हमारे बर्ड्स जो हैं एकदम से बीमार हो सकते हैं या पूरे के पूरे बर्ड्स में एक साथ से इन्फेक्शन फैल सकता है। क्योंकि आप देखते हो कि आपके बर्ड्स कल तक बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जब भी बीमार होते एक ही रात में पूरे बर्ड्स में इन्फेक्शन आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट है ऐसा है, बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए इतना सूटेबल एनवायरनमेंट मिलता है कि एक ही रात में वो पूरे बर्ड्स में फैल जाता है या इन्फेक्शन ग्रो कर जाता है। इसलिए इस सीज़न में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, खाने पीने के लिए भी, मेडिसिन की भी, डाइट की भी, छोटे बच्चों की अलग केयर करने की ज़रूरत है। जो मेडिकेशन आप दे रहे हो उसके में आप क्या दे सकते हो, क्या नहीं दे सकते वो भी आपको पता होना चाहिए। इन सभी टॉपिक्स को लेकर के ये वीडियो मैंने किया, कवर किया है, ताकि आप इस बदलते मौसम में आप अपने बर्ड्स के लिए क्या क्या सावधानियां आप रख सकते हैं। इस टाइम में जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है वो होता है छोटे बच्चे, मतलब आप ये मान के चलिए, क्योंकि अभी आपको पता है पीछे मार्च अप्रैल का सीज़न गया है तो उस टाइम आपके बच्चे हुए होंगे और वो इस टाइम पे लगभग एक महीने के आसपास हो चुके होंगे। और आप ये मान के चलिए कि बच्चे की इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा वीक होती है और जिसकी इम्यूनिटी वीक होती है वो ही इन्फेक्शन की चपेट में आने की संभावना अधिक रहती है। तो ऐसे में बड़े की बजाय इस टाइम जो आपके जो छोटे बच्चे हैं वो ज़्यादा रिस्क डेंजर जोन में होते हैं। यानी सबसे ज़्यादा बच्चा अचानक से खाना पीना छोड़ देगा, बच्चे के अंदर अचानक आप देखेंगे कि एकदम से सूखना शुरू हो जाएगा खाना पीने के साथ साथ, या उसमें लूज मोशंस वगैरह लग जाएंगे। तो इसलिए छोटे बच्चों के लिए केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हम बच्चों की इम्यूनिटी को मेंटेन कर सके, उनमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो, उनके खाने पीने का हमको ध्यान देना चाहिए। छोटे बच्चे की डाइट का विशेष ध्यान रख रहे, क्योंकि आपको पता है कि छोटे बच्चे की डाइट में हम क्या ध्यान कर सकते हैं। आपको पता है छोटा बच्चा पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है और हम जो डाइट पेरेंट्स को देंगे वही पेरेंट्स खा करके अपने बच्चों को खिलाएगा। इसलिए पेरेंट्स को वो डाइट दीजिए जो कि पेरेंट्स उसको इजीली डाइजेस्ट कर सके और वो हैवी भी ना हो, ताकि वो डाइट जब अपने छोटे बच्चे को फीड कराए तो बच्चे के अंदर इनडाइजेशन से रिलेटेड जैसी कोई प्रॉब्लम ना हो या वो खाना हैवी ना हो, इस तरह का लाइट फूड हो ताकि बच्चे उसको ईजिली पचा सकें। क्योंकि आपने कुछ ऐसा फूड दे दिया कि वो पहले से ही स्ट्रांग है, पेरेंट्स ने खा लिया, बच्चे को तो फीड करा देंगे, लेकिन वो जो है बच्चे को डाइजेस्ट नहीं होगा, बच्चे के अंदर क्रॉप के अंदर वो खाना ऐसे रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ऐसे में जब बच्चे के अंदर क्रॉप के अंदर आप देखें एक बार ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, खाना रुक जाता है, तो ऑटोमेटिक क्या है, एक से दूसरी कॉम्प्लिकेशंस आनी स्टार्ट हो जाती है। जब क्रॉप चौक हो जाता है तो बर्ड्स धीरे धीरे बीमार होकर के या तो उसमें डिहाइड्रेशन हो जाएगा या उसकी भूख जो एकदम से ख़त्म हो जाएगी और बच्चे इतना वीक हो जाएगा कि बच्चे की डेथ भी हो सकती है। इसलिए डाइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है छोटे बच्चे की इस दौरान, जो कि आप उसको खाने में आप दे रहे हैं। बड़े पेरेंट्स की देखभाल हम कैसे करनी है, क्योंकि आपको पता है बड़े की, एक तो आपको अपने बर्ड्स का रेगुलर आपको पता है कि आपने जो वैक्सीनेशन शेड्यूल आपका तैयार किया हुआ, आपके पता है कि हम हर साल अपने बर्ड्स का वैक्सीनेशन करते हैं। तो आप अपना एक तो ये डाइट चार्ट फॉलोअप कर लीजिए कि आपने अपने बर्ड्स की डिवॉर्मिंग कब रेगुलर करी है, क्योंकि जितने भी बदलाव होते हैं मौसम की वजह से उस टाइम में जो सबसे ज़्यादा मेन होती है बर्ड्स की इम्यूनिटी कितनी अंदर से स्ट्रांग है। यदि आप पूरे साल भर अपने बर्ड्स की रेगुलर डिवॉर्मिंग तीन तीन महीने के गैप पे करते रहे हैं, डिवॉर्मिंग करने से सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स क्या होता है, आपको पता है कि आपका बर्ड्स अंदर से मजबूत होता है। अंदर से मजबूत क्यों होता है कि बर्ड्स इंटरनल प्लस एक्सटर्नल पैरासाइट्स उसकी बॉडी में बिल्कुल नहीं होते हैं, और जब आपने उसकी रेगुलर डिवॉर्मिंग करी थी तो उस वॉर्म्स
उसके बॉडी से यदि रेगुलर निकलते रहते हैं तो उसकी इम्यूनिटी अंदर से बूस्टअप रहती है, क्योंकि एक्सेस वर्म्स ही एक रीज़न होता है जिसकी वजह से आपका बर्ड्स बीमार होता है, क्योंकि आपके बर्ड्स की बॉडी में वर्म्स ज़्यादा है तो बर्ड्स बीमार हो गई होगा, क्योंकि खाना आपका पक्षी खा रहा है लेकिन लग किसका रहा, आपके जो वर्म्स है उसके शरीर को लग रहा है। पक्षी दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता चला जाएगा, और आपने रेगुलर डिवॉर्मिंग करी होगी तो आपके बर्ड्स में बॉडी के अंदर जो है वर्म्स बिल्कुल न रहेंगे, और बर्ड्स जो भी खाएगा वो खाया हुआ जो जितने भी उसके शरीर में वो ताकत है उस खाने से ही आएगी, वरना वो जितना आप अच्छी डाइट कितनी ही अच्छी डाइट देते रहे वो सारा जो खाना है उन कीड़ों को ही लगता रहेगा। इसलिए डिवॉर्मिंग का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि आपने रेगुलर अपने बर्ड्स की डिवॉर्मिंग करी है, आपका बर्ड्स अंदर से मजबूत होगा, और इस बदलते मौसम में जब ये बीमारियों का प्रकोप आता है उस टाइम जब इम्यूनिटी शरीर की डाउन जाती है और आपके बर्ड्स रेगुलर इस फेज से निकला हुआ है कि उसकी पूरे साल भर रेगुलर डिवॉर्मिंग हुई है, तो जो साल में जो 3-4 बार जब मौसम बदलता है उस दौरान आपका बर्ड्स किसी भी बीमारी की चपेट में नहीं आएगा। इसलिए डिवॉर्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बर्ड्स की लाइफ के लिए। ब्रीडिंग वाले बर्ड्स की भी आपने विशेष ध्यान रखना होता है। आपको पता है कि ब्रीडिंग के दौरान, आपको पता है इस दौरान बर्ड्स ब्रीडिंग फेज में है, उसकी बॉडी की कैल्शियम रिक्वायरमेंट आपकी ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसे में आप उसके खाने के अंदर कैल्शियम दीजिए, पीने के पानी के अंदर कैल्शियम दीजिए, एक्स्ट्रा कैल्शियम कैल्शियम ब्लॉक्स आप प्रोवाइड कर दीजिए, ताकि बर्ड्स की यदि कैल्शियम की इच्छा होगी तो वो उस एक्स्ट्रा कैल्शियम को लेकर के अपनी कैल्शियम की पूर्ति कर सकता है। यदि आपने कैल्शियम नहीं दिया है उसका साइड इफ़ेक्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, एक तो आपके बर्ड्स में कई बार क्या है कैल्शियम की कमी से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ सकती है, बर्ड्स कई बार अंडे नहीं देता है, या अंडे देता है अंडे का साइज बहुत छोटा होता है, बहुत ही हल्का सा पतला सा जो उसका छिलका होता है, अब बर्ड जैसे ही अंडा देता है और अंडे पे बैठता है उसका जो छिलका पतला होने की वजह से वो अंडा टूट भी सकता है, इसलिए कैल्शियम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अंडे में से यदि बच्चा निकलता है इतना वीक या कमज़ोर निकलेगा जब, क्योंकि साइज छोटा होगा तो वो बच्चा पहले से इतना कमज़ोर होगा जब अंडे में से बाहर आएगा तो उसकी इम्यूनिटी इतनी वीक होगी तो उसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसलिए जो ब्रीडिंग सीजन के दौरान जो कैल्शियम की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है, और हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अपने बर्ड्स के लिए रेगुलर डाइट में कैल्शियम कितना इम्पॉर्टेंट है, इस तरफ हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। आप इसमें पिजन्स के लिए, आपको पता है कि पिजन्स के अंदर हड्डियों की मजबूती के कैल्शियम चाहिए होता है, उनके आप चाहते हो कि अगर कैल्शियम अच्छा होगा तो आपके बर्ड्स का उड़ने का स्टेमिना बहुत अच्छा होगा, आपका बर्ड जरा सा उड़ता है हाफ करके नीचे बैठ जाता है, इट मीन्स उसकी बॉडी में प्रॉपर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, कैल्शियम इतना कम है कि बर्ड्स की पंख इतने कमज़ोर है कि जरा सा उड़ते नीचे आकर के बैठ जाता है। इसलिए जो बर्ड्स की डाइट में है, कबूतरों की डाइट में कैल्शियम पीने के पानी में, खाने में, और वैसे एक्स्ट्रा लिक्विड फॉर्म में भी आप उसको दे सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां भी कैल्शियम का एक सोर्स होती है, इसलिए आप कैल्शियम मैग्नीशियम फास्फोरस यदि चाहते हो उसकी डाइट में दे, तो उसके साथ साथ एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको पता है कि पक्षी के शरीर में कैल्शियम कब लगता है, खाली कैल्शियम देने से ही आपके बर्ड्स के शरीर में कैल्शियम नहीं लगेगा, कैल्शियम को शरीर में हजम करने के लिए या उसकी मजबूती लाने के लिए विटामिन D3 जो कि हमें सनलाइट से मिलती है, यदि आप अपने बर्ड्स को कितना ही कैल्शियम देते रहो यदि आपने उसको धूप के अंदर नहीं रखा है तो वो कैल्शियम एज सच वेस्ट जाएगा, उसके शरीर में नहीं लगेगा। इसलिए बर्ड्स को सनलाइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके शरीर की हड्डियों की मजबूती के लिए और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए, तो इसलिए कैल्शियम के साथ साथ आपके पास जो आपका एवरेज है, जो भी है आपका सेटअप है, इस तरह का होना चाहिए कि आपके बर्ड्स को 1 घंटा आधा घंटा 2 घंटा रेगुलर धूप जरूर मिलनी चाहिए, ताकि उसकी जो शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के साथ हड्डियों की मजबूती के लिए जो आप उसको सनलाइट दे रहे हो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। पीने का पानी बहुत ज़्यादा एक्सेस में देना चाहिए गर्मियों में, क्योंकि फ्रेश पानी मेन होता है, फ्रेश पानी। आपने सुबह पानी लगा दिया अगले दिन 24 घंटे बदला, वो गलत तरीका है, क्योंकि बर्ड्स क्या करते हैं सारा दिन उसमें पानी पीता रहेगा या उसमें कई बार नहा भी लेगा तो पानी गंदा हो जाएगा या उसमें कई बार बर्ड्स की बीट गिर जाती है। ऐसे में क्या होता है कि जब पानी गंदा हो जाता है, गंदा पानी आपके बर्ड्स पीते हैं तो ऑटोमेटिक क्या है और बीमारी होने की पॉसिबिलिटीज अधिक रहती है। इसलिए आप इस तरह का रूटीन फॉलोअप कीजिए या एक पर्सन की पर्टिकुलर ड्यूटी लगाइए जो दिन में
तीन चार बार पीने के पानी को चेंज करें। और एक आपको ध्यान रखना चाहिए, पीने का बाउल की जो लोकेशन होती है जहाँ पे अपने बर्ड्स पानी पीते हैं, वो इस तरीके की होनी चाहिए कि उसके ऊपर बैठने का पर्ची जैसा कोई साधन ना हो, ताकि आपका बर्ड्स उसके ऊपर आकर के ना बैठे। क्योंकि बर्ड्स अगर बाउल के ऊपर बैठता तो जो पानी है वो सारा गंदा हो जाता है, बीट उसी में आकर के गिरती है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि अपने बर्ड्स को पीने के पानी की पर्चीज की लोकेशन को भी आप ध्यान में रखते हुए इस चीज़ का ध्यान रखें। डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्योंकि बर्ड्स को खाली पेट नहीं भरना है, हमने उसको वो खाना देना है जिससे उसके शरीर को ताकत मिले और ताकत के साथ साथ वो न्यूट्रिएंट्स भी मिले जिसकी कि उसको ज़रूरत होती है अपनी हेल्थ को ओके रखने के लिए, अपनी ब्रीडिंग को मेंटेन करने के लिए, अब बच्चों की ग्रोथ केयर करने के लिए। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि कैसे गर्मी में हमें अपने बच्चों के कबूतरों की देखभाल करनी है, डाइट में क्या क्या बदलाव करना है, पीने के पानी में क्या बदलाव करना है, और किस तरीके से मेडिकेशंस के द्वारा हम अपने बर्ड्स को हेल्दी रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।